For more video, please subscribe our YouTube channel and don't forget to press the bell icon with all notifications so that you never miss any update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के अपने वीडियो में हम अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर टैग्स यानी कि कीवर्ड्स डालना सीखेंगे। आज मैं आपको तीन ऐसे मेथड बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप हाईली सर्चेबल कीवर्ड्स अपनी वीडियोस के अंदर डाल सकते हो और आप अपनी वीडियोस को भी रैंक करा सकते हो, उसे सर्च रिजल्ट में ला सकते हो। बहुत सारे नए यूट्यूबर क्या करते हैं, वीडियो तो डाल देते हैं लेकिन टैग सही से नहीं डालते, या फिर कुछ लोगों को तो टैग्स के बारे में पता ही नहीं है। बेसिकली टैग ही एक ऐसा चीज है, ऐसा वर्ड है जिसे अगर कोई यूट्यूब पर सर्च करता है तो उस तरह के वीडियोज उसके सामने आते हैं। सो अगर आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाए हो उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप टैग डालते हो और कोई बंदा वैसा ही कोई वर्ड सर्च करता है यूट्यूब पे, तो आपका वीडियो उसके सामने जाता है। सो टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वीडियो को यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में लाने के लिए। इसके अलावा जैसा कि आज संडे है तो आज शाम में संडे स्पेशल वीडियो आने वाला है, आपके कमेंट को लेकर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूं जैसा कि पिछले संडे बनाया था। सो आपकी कोई भी क्वेरीज या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा उस वीडियो के अंदर। सो अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलना। सो गाइस, चलिए जानते हैं अपने YouTube वीडियोस के अंदर टैग्स कैसे डालना है। सो गाइस, अपने YouTube वीडियोस के अंदर टैग्स डालने का सबसे पहला तरीका जिसे मैं खुद यूज करता हूं, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम vidIQ है। यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आप अपने वीडियोस के अंदर टैग्स डालने के लिए सबसे पहले आपको अपने वीडियोस को अपलोड करना है यूट्यूब पे। सो अपलोड करने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसी से आपको करना है। अपलोड करने के बाद से यहाँ पे जैसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, आपको साइन इन कर लेना है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन किए हुए हूँ, तो जो साइन इन करना है वो अपने यूट्यूब चैनल वाली आईडी से ही करना है। सो आप YouTube चैनल वाली आईडी से करेंगे तो आपके जितने भी वीडियोज होंगे YouTube के वो यहाँ नजर आएंगे। जो आप अपलोड करोगे वो टॉप पे नजर आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है तो वो यहाँ पे टॉप पे है, तो इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आप एडिट कर सकते हो क्या टाइटल डिस्क्रिप्शंस, और नीचे आपको यहाँ टैग्स का ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं मैं पहले से बहुत सारे टैग्स डाल रखा हूँ और सारे टैग्स के सामने उसका स्कोर दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हाउ टू रिमूव ग्रीन स्किन इन इनशॉट, यहाँ पे इस टैग का यानी इस कीवर्ड का 100 में से 59 स्कोर मिला है, 59 स्कोर, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। 50 से अबव है तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही सारे टैग्स के सामने उसका स्कोर 100 में से आउट ऑफ 100 जो दे रखा है। तो गाइस यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी डाल रखा हूँ इसकी मदद से टैग्स। आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड करने के बाद जैसे ही आप आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे तीन तीन करके टैग्स सजेस्ट किए जाएंगे आपके वीडियो टॉपिक से रिलेटेड। आपको सिंपली टाइटल डाल लेना है और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टैग्स मिलेंगे। यहाँ से मैं आपको पहले ये टैग्स हटा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि डालना कैसे है। ठीक है, यहाँ से मैं ये टैग्स सारे के सारे हटा दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वीडियो अपलोड करते समय अपना टाइटल डाल देता हूँ वीडियो से रिलेटेड, ताकि vidIQ को आइडिया लग जाए कि मैं वीडियो में बताया क्या हूँ। सो मैं सिर्फ और सिर्फ टाइटल डाल देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एक टैग डाल देता हूँ अपनी वीडियो से रिलेटेड। अब क्या होता है, जैसे मैं vidIQ खोल के ये वीडियो ओपन करता हूँ, यहाँ पे नीचे रिकमेंडेड टैग्स आपको नजर आते हैं मेरी ही टॉपिक से रिलेटेड, मेरी वीडियो से रिलेटेड। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्कोर देखना है किसका सबसे ज़्यादा हाई स्कोर है, उस वाले ऐड वाले यहाँ पे क्लिक करके उनको ऐड करते चलना है। जैसे कि इसको मैं नीचे कर लेता हूं, यहां पे मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूं, फिर यहां पे सेव योर टैग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव योर टैग पे क्लिक करेंगे आपके टैग सेव हो जाएंगे, फिर तीन टैग्स यहां पे आएंगे तो उनको भी ऐड कर लेना है। ऐसे करके तीन तीन के लॉट में आपको टैग्स मिलते जाएंगे और आपको ऐसे ही सेव करते जाना है स्कोर के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो अधिकांश जो है वो 50 के अबव है, यहां पे इनको ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से। तब तक ऐड करना है जब तक आपका टैग का जो लिमिट है वो फुल ना हो जाए। और ऊपर आपको यहाँ पे SEO का ऑप्शन मिलता है, यानी कि ओवरऑल आपके वीडियो का स्कोर कितना है, आपका वीडियो 100 में से कितना स्कोर ला रहा है, यानी कि वो कितना सर्चेबल है, लोग सर्च करेंगे तो उनके सर्च रिजल्ट में जाएगा कि नहीं, वो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उसके स्कोर से आप पता लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं टैग्स डाल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं यहाँ पे टैग्स डाल रहा हूँ वो स्कोर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं और भी टैग्स ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे तीन टैग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये मैं फ्री वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसका प्रो वर्जन के लिए मुझे इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो इसके और भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो अनलॉक्ड हो जाएंगे। सो ऐसा करके आप अपनी वीडियोस के अंदर टैग्स डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा SEO स्कोर यानी ओवरऑल मेरे वीडियो का स्कोर जो है वो 48 आउट ऑफ 100 है, जो कि बहुत अच्छा है। अब क्या होता है कि वीडियो डालने के साथ ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि टैग्स डालने का मतलब आपका वीडियो अभी डालोगे अभी व्यूज लाने शुरू कर देंगे, नहीं, ये है कि आपका वीडियो फ्यूचर में रैंक कर जाएगा, उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है तो आराम से कोई ना कोई सर्च करेगा तो आपका वीडियो किसी ना किसी के सामने जाता रहेगा।
तो आपका वीडियोस एक समय पे जाके रैंक कर ही जाएगा। हो सकता है कल कर जाए, हो सकता है एक महीने बाद करे, लेकिन करेगा। ये एक राइट प्रोसीजर है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है अपने वीडियोस को डालने के समय। ऐसे ही आप यहाँ पे टाइटल भी एडिट कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके। जैसे ही टाइटल पे क्लिक करते हैं आपको नीचे बहुत सारे यहाँ पे टाइटल सजेस्ट किए जाते हैं और उस स्कोर के साथ उसके सामने स्कोर भी आपको मिलेगा, सो उसको ऐड कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, टाइटल के अंदर भी ऐसे ही आपको हाई स्कोर वाले एड्स कर लेने हैं और उसके बाद से डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ऐसे ही ऐड कर लेने हैं। सॉरी, यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में एडिट करके यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइटल्स को भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल लेना है। इससे ओवरऑल आपका जो SEO स्कोर होगा वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो क्यू का एक और फीचर बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कीवर्ड का ऑप्शन मिलता है, इंटर ए कीवर्ड, यानी आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो और आपको नहीं लग रहा है कि ये वीडियो रैंक करेगा कि नहीं, इसका लोगों का डिमांड है कि नहीं इस वीडियो के लिए, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे आप पिक्सल लैब पे बनाना चाहते हो तो यहाँ पे पिक्सल लैब आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे ही पिक्सल लैब सर्च करोगे यहाँ पे आपका उस कीवर्ड का रैंक बता देगा कि हाँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो, ओवरऑल स्कोर 65 दे रखा है इस कीवर्ड के लिए, यानी कि पिक्सल लैब पे आप वीडियो बना सकते हो, इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है। कंपटीशन भी लो है, कंपटीशन लो का मतलब इस पे कम लोग वीडियो बनाए हैं, यानी कि जो वीडियो आप बनाओगे वो आप ही का होगा, बहुत ही गिने चुने लोग बनाए हैं और उसमें से आपका वीडियो का रैंक करने का बहुत ज़्यादा चांसेस होगा क्योंकि कंपटीशन कम है और सर्च ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। अब आपको बताता हूँ टैग्स डालने का जो दूसरा बेहतरीन तरीका है, उसके लिए आपको अपना YouTube का एप्लीकेशन ओपन करना है। सपोज यहाँ पे कोई आप वीडियो बनाए हो तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में कोई कीवर्ड सर्च करना है। जैसे कि मैं लोगो बनाने का ट्यूटोरियल बनाया हूँ तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा लोगो। जैसे यहाँ पे मैं लोगो सर्च करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे सजेस्ट किए जा रहे हैं, लोगो फॉर यूट्यूब चैनल, लोगो इन MS वर्ड, लोगो एनिमेशन इन पावर पॉइंट, लोगो स्टाइल फॉन्ट, लोगो कैसे बनाएं, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये जो आ रहे हैं। अभी यहाँ पे एक दो और लाइन आगे लिख सकते हो डिजाइन। तो यहाँ जैसे मैं लोगो डिजाइन लिखा तो लोगो डिजाइन फॉर यूट्यूब चैनल, लोगो डिजाइन ट्यूटोरियल, लोगो डिजाइन फोटोशॉप, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए। ये कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं मालूम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किए गए यूट्यूब पे वर्ड्स हैं, इसलिए ये टॉप पे आ रहे हैं। इन कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया गया है लोगों के द्वारा, सो ये कीवर्ड्स सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, तो इन्हीं को आपको कॉपी करना है और अपने टैग्स में पेस्ट करना है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ही बता देता है कि इन सब कीवर्ड्स का ज़्यादा डिमांड है यूट्यूब पे आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको इनको टैग्स के फॉर्म में यूज़ करना है। सो चलिए अब आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। इसके लिए भी आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम टैग यू है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है, देन आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ पे सजेस्ट कीवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो उससे रिलेटेड आप टैग्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे चेक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे YouTube चैनल कैसे बनाए 221, यहाँ पे YouTube चैनल कैसे बनाए मोबाइल से, ये सारे टैग्स जो हैं ज़्यादा सर्च किए जाने वाले यहाँ पे आपको आ जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है और अपने टैग्स के अंदर यूज करना है। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे गेट टैग्स फ्रॉम URL, यहाँ पे क्लिक करके आप किसी वीडियो का URL, सपोज आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो उस टॉपिक पे पहले से कोई वीडियो डाला है टॉप पे जो है जिसपे सबसे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, तो उसका लिंक आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके और उससे रिलेटेड उस वीडियो में जो बंदा डाला है उस अपने वीडियो में क्या टैग डाला है उस टैग को यहाँ पे आप उसके लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हैं और उसके लिंक को यूज कर सकते हैं अपने वीडियोस के अंदर। सो गाइस, होप कि अब आपको YouTube वीडियोस के अंदर टैग्स डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग और टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।